जय श्री कृष्णा। मैं आपको ऋण मुक्ति के बारे में एक दिव्य और अचूक प्रयोग बता रहा हूँ, और वो बहुत ज़्यादा दिन करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी उस प्रयोग को करेंगे तो आपके जीवन में देखोगे कि ऋण मुक्ति आपकी स्वतः ही होना शुरू हो जाएगी। अब आपको एक रहस्य और बता देता हूँ। ऋण कर्जे को कहते हैं, जिसे इंग्लिश में ओडी कहते हैं, ओवरड्राफ्ट। अब ये कर्जा बैंकिंग हो या गैर बैंकिंग हो या पैसे से संबंधित एक कर्जा कहलाता है, लेकिन इसके अलावा हमारे जीवन में अनेक कर्जे और भी हैं। पहला कर्जा होता है हमारे पितरों का, जिनकी कृपा से, हमारे पूर्वजों की कृपा से हमें जन्म मिला, उनका हमें कर्ज चुकाना है। दूसरा हमारा कर्ज होता है ऋषि मुनियों को, जिन्होंने हमें भाषा सिखाई। देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अगर हमारे पास भाषा नहीं होती, पशु तेरे मुख अगर इशारा करते तो कब तक आप समझ पाते। तो ऋषियों का ऋण, पितरों का ऋण, और भगवान जिन्होंने हमारे शरीर को पूरा दिया है, हमें जीवन में इतना बड़ा सुख जीवन दिया है, वो हमारे देवताओं का ऋण। इसके अलावा दो ऋण और हैं, माता पिता का ऋण, समाज का ऋण, और अपने धर्म का ऋण, अपने राष्ट्र का ऋण, अनेक ऋण हैं। इन ऋणों को अगर हम मुक्त पालें तो हमारा जीवन सहज में सुखी होता है। ग्रंथों में कहा गया है, 100 जने उधारी ब्राह्मणों के वध करने का जो पाप है, वही पाप लगता है तुम कर्जा लेके मर जाओ। यानी मर जाएगा आदमी समय में कर्जा नहीं चुकाएगा तो 100 ब्राह्मणों के वध के बराबर लगता है। उसे ऋण हत्या, ब्रह्म हत्या से अधिक खतरनाक ऋण हत्या है। तो बंधु बांधव, भाई बहनों, सबको मैं चाहता हूँ कि मेरे विश्व की भूमि पर, ना केवल भारत, वसुधैव कुटुंबकम, कोई भी ऋण लेकर के ना मरे, मृत्यु को प्राप्त ना हो। इस दुनिया में आए तो यहीं की यहीं चुका दें। यद्यपि इसके वैदिक प्रमाणिक अनेक अनेक उपाय हैं, आज मैं एक ऐसे दिव्य प्रयोग का बता रहा हूँ, जिस चीज का अनुसरण भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं किया है। ये ब्रजमंडल कितना पवित्र है, इसके बारे में मैं एक नहीं अनेक वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा, ब्रज भूमि के बारे में, ब्रजमंडल के बारे में। अब ब्रजमंडल में जिक्र आता है तो मैं आपको परिचय करा रहा हूँ। गर्ग संहिता और हमारे अनेक जनश्रुतियों के आधार पर एक हमें दृष्टांत प्राप्त होता है, एक प्रमाण प्राप्त होता है। गोकुल के निकट, जहाँ पर चिंताहरण महादेव जी से कुछ किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल में ऋण मुक्ति बड़ वृक्ष है, वेन एंट्री जिसको कहते हैं, वो साधारण पेड़ नहीं है। हमारे ग्रंथों में वर्णन आता है कि जिस समय भगवान श्री कृष्ण ब्रजमंडल की समस्त अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करके, शत्रुओं का, राक्षसों का संहार करके जब द्वारका जाने लगे, तो भगवान कृष्ण के चाचा थे अक्रूर जी। ये बड़े ही अच्छे पात्र हैं, इनके बारे में बहुत कम लोगों को ज्ञान है, लेकिन भगवान कृष्ण के सगे चाचा हैं। इनके बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा आने वाले समय में। तो अक्रूर जी ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया, लाला कन्हैया तू जा रहो है, ब्रजवासम बोला और ब्रज छोड़ के जा रहा है, लेकिन ब्रजवासियों का कर्जा, माता पिता का कर्जा, नंद और यशोदा का कर्जा, गोपी और गोप ग्वालों का कर्जा, गऊओं का कर्जा तू चुकाए बिना ही जाएगा, तुझे क्या अच्छा लगेगा। तो उन्होंने वहाँ पर बड़ वृक्ष के नीचे संपूर्ण ब्रजवासियों का और संपूर्ण अपने परिवारी जनों का, गौ माताओं का और ब्रज भूमि का, ब्रज के कणों का वहाँ पर कर्ज चुकाया है। ऋण मुक्त हुए मेरे लाला कन्हैया, और ऋण मुक्त होकर के वरदान दिया है, इस जगह पे जो आएगा डूबते हुए कोई भगवान उसे उद्धार करेगा। अतः आप ऐसे दिव्य स्थल पर अवश्य जाएं, और दिव्य स्थल पर जाकर के वहाँ बड़ वृक्ष के नीचे बैठ कर के प्रभु का चिंतन मनन करें, और चिंतन मनन करने के पश्चात उस वट वृक्ष की 7 परिक्रमा, 21 परिक्रमा दें। अगर आपके पास में साधन है और आप संस्कृत का थोड़ा ज्ञान रखते हैं तो रेणुवचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें, अथवा हनुमान चालीसा पाठ करें, अथवा और कुछ नहीं तो वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण बंदे जगत गुरुम, ये भी अगर आपको याद नहीं रहता है, डजंट मैटर, वहाँ आपको भावना प्रधान है। प्रभु से कहें, झोली फैला के मांगे, प्रभु मैं कर्जे में ग्रसित हो गया हूँ, अनेक जिम्मेदारियों को अदा करते करते
कर्जा में भारी डूब रहा हूँ, इन कर्जों से मुझे मुक्ति दो। साथ के साथ मेरे माता पिता का कर्जा, भाई बंधुओं का कर्जा, जिन शिक्षकों ने मुझे शिक्षा दी उनका कर्जा, मेरे देश का कर्जा, मेरे राष्ट्र का, मेरे धर्म का, मेरे सनातन धर्म का, और जिन जिनों ने मेरे जीवन में उपकार किया है उन सबका कर्जा तुम मेरे से मुक्त करो। आपको उसी क्षण एक सुखद ऐसी अनुभूति होगी, ऐसा आपको लाभ प्राप्त होगा, लगेगा हम जन्नत में, स्वर्ग में बैठे। और प्रार्थना करके, प्रभु का चिंतन करके वहाँ से आ जाइए, आप देखोगे चमत्कार, 100% चमत्कार, आपकी मनोकामनाएं अति शीघ्र पूरी होगी, अर्थात ऋण मुक्ति होगी। तो इस वट वृक्ष का परिचय मैं पुनः आपको देता हूँ। गोकुल के पास चिंताहरण महादेव, रमण रीति से थोड़ा आगे, उसके भी लगभग 2 या 3 किलोमीटर दूर, और जंगल में ये वहाँ पर साधन है आने जाने का, आप अपने साधनों से जा सकते, गाड़ी जाती हैं। कभी कभी मौसम के अगर खड्डे हो जाते हैं बरसात में, तो थोड़ा सा 500 या 300 मीटर की दूरी पर आपके वाहन खड़े होकर पैदल बड़ी आसानी से जा सकते हैं, वहाँ जाके पूजा करें, अनुभव करें। हमारे संस्थान के तत्वावधान में प्रतिवर्ष ब्रज यात्रा होती है। इस बार की ब्रज यात्रा 2 दिसंबर से 9 दिसंबर तक होने जा रही है, उसमें ये हमारा एक मुख्य बिंदु होता है। आप हमारे साथ चल सकते हो, या जब आपको अवसर मिले तब आप अवश्य जाके आएं, और भगवान कन्हैया की एक कृपा का रसास्वादन, आनंद की अनुभूति लें। जय श्री कृष्ण।